हेलो कृष्ण भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे EPL कंपनी का जो मोनोकोटोफॉस 36% SL जो सोल्यूबल लिक्विड फॉर्म में रहता है अनुक्रोन, इसका बारे में, इसका डोज फसलों में कितना स्प्रे करना है, इसका कौन कौन सा फसलों में आप यूज़ कर सकते हैं, फसलों का कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं अनुक्रोन स्प्रे करके, इसका रिजल्ट कब मिलता है, उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकता, लगभग A to Z बात करेंगे। इस वीडियो देखने के बाद अब अनुक्रोन कीटनाशक के बारे में दूसरा कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कृष्ण भाई, अनुक्रोन जो कीटनाशक है, जो एक APL कंपनी का कीटनाशक है जिसमें केमिकल कंपोजिशन मोड ऑफ एक्शन रहता है मोनोकोटोफॉस 36% SL जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है आपका फसलों में स्प्रे करने के बाद। आई बात करेंगे आप मोनोकोटोफॉस कौन कौन सा फसलों में यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे धान का नर्सरी स्टेज में भी यूज़ कर सकते हैं, धान का फसलों में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे भिंडी का फसलों में, मिर्च का फसलों में, तुराई लौकी का फसलों में, कद्दू का फसलों में, इसके अलावा जैसे प्याज लहसुन का फसलों में, इसके अलावा जैसे पीनट जैसे इस फसलों में आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे सब्जी वर्गी हो खेती बाड़ी में आप यूज़ कर सकते हैं मोनोकोटोफॉस 36% SL फॉर्म में जो कीटनाशक रहता है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, अलग अलग कंपनी का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन वाला मोनोकोटोफॉस रहता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत लेने का जरूरत नहीं है। इसका काम एक ही होता है, जैसे 36% SL कोई भी मोनोकोटोफॉस आप यूज़ कर सकते हैं आपका खेती बारे में, इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आई बात करेंगे अनुक्रोन जो कीटनाशक है कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं स्प्रे करके, अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एपिड, जेसिड, लीफ पाइनर जो इंसेक्ट आता है आपका फसल में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे सेमी लेपोपार, राइस वेबिल, येलो राइस बोरर जो इंसेक्ट आपका फसलों में आता है उसको नियंत्रण कर सकते हैं जो अनुक्रोन कीटनाशक इससे स्प्रे करके, तो दूसरा कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे फंगिसाइड भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जैसे हेक्साकोनाजॉल कैप्टन जो फंगिसाइड होता है एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, दूसरा कोई कीटनाशक भी एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका डोज कितना फसलों में स्प्रे करना है अब इसके बारे में बात करेंगे। जैसे किसान भाई, कोई भी सब्जियों का खेती में उसका डोज लगभग 100 ml आप 50 से 60 liter पानी में स्प्रे करना है, और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 15 days के बाद आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं आपका कोई भी सब्जियों का खेती बारी में। आई बात करेंगे APL कंपनी का जो ओनो प्रोडक्ट्स का जो अनुक्रोन कीटनाशक है उसका रिजल्ट कब मिलता है फसलों में स्प्रे करने का बाद, अब इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप इसका पहला स्प्रे करने के बाद रिजल्ट लगभग 10 to 12 days के अंदर उसका रिजल्ट भी मिल जाता है, क्या फसलों में काम किया, कौन सा इंसेक्ट को नियंत्रण किया था, इसका रिजल्ट लगभग 10 to 12 days के अंदर मिल जाता है। और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग आप 21 days के बाद आपका फसलों में दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका कोई भी, जैसे आप धान का फसलों में क्या करना है, कौन सा कीटों को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को क्या होता है, कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना आपको दिक्कत होता है, क्या करना है आप, जैसे कोई भी कंपनी का आप मोनोकोटोफॉस 36% SL जो कीटनाशक रहते हैं आप धान का फसल बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं स्प्रे कर सकते हैं, जैसे राइस बोरर जो इंसेक्ट आते हैं, राइस सोयाबीन जो इंसेक्ट आते हैं, इसके अलावा जैसे जेसिड एपिड जो इंसेक्ट आते हैं राइस का फसलों में बेहतरीन रिजल्ट मिलता है स्प्रे करने के बाद। कृष्ण भाई, आई बात करेंगे अनुक्रोन जो कीटनाशक है इसका प्राइस के बारे में, इसका प्राइस कितना होता है अब इसके बारे में। जैसे आप 100 ml का प्राइस लगभग 90 से 100 rupees में मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ दूसरा कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेहतरीन रिजल्ट भी मिलते हैं धान का फसल का। इसके अलावा सब्जियों का खेती बारी में भी पत्ता चेदक वाला जो इंसेक्ट आता है इसका भी नियंत्रण कर सकते हैं, पत्ता चेदक जो इंसेक्ट ज़्यादातर आते हैं सब्जियों का नर्सरी स्टेज में आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कृष्ण भाई, अनुक्रोन जो कीटनाशक है आप कब स्प्रे करना है फसल में, अभी इसके बारे में बात करें। जैसे कोई भी सब्जियों का खेती बारी में धान का फसल आप नर्सरी स्टेज में भी स्प्रे कर सकते हैं, इसके बाद फसल मिलने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, फूल आने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं मोनोक्रोटोफॉस 36% SL जो कीटनाशक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो स्प्रे करने का सही टाइम कौन सा है दिनों में, इसका जैसे सही टाइम है धूप में स्प्रे नहीं करना है, जैसे शाम से पहले स्प्रे करना है, इसका रिजल्ट भी धूप से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, धूप में इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, इसके लिए क्या करना, शाम से पहले इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है स्प्रे करने के बाद। इस वीडियो में बात किया था अनुक्रोन कीटनाशक के बारे में,
इसका डोज कितने स्प्रे करना है, कौन कौन सा फसल हम आप यूज़ कर सकते हैं, इसका प्राइस कितना है, इसका रिजल्ट कब मिलते हैं, कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं, लगभग ए टू जेड बात किया था अनुक्रांत कीटनाशक के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।